नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे ज्योतिष वास्तु चैनल ABS में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, रत्न ज्योतिष शास्त्र के अनुसार रत्न हमारे ग्रहों को पुष्ट करने के साथ साथ ग्रहों के नेगेटिव इम्पैक्ट को भी कम करते हैं। दोस्तों, अगर राहु और केतु नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहे हैं तो इसे खत्म करने के लिए रत्नों के उपरत्न हकीक नामक उपरत्न धारण कर सकते हैं। दोस्तों, इसे धारण करने से राहु केतु शांत रहते हैं और जीवन में सुख समृद्धि का संचार करते हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार काला सुलेमानी हकीक रत्न धारण करने से क्या लाभ होते हैं और इसे कब, कैसे और किसे धारण करना चाहिए। दोस्तों, असली सुलेमानी हकीक देखने में बहुत अधिक चिकना और चमकदार होता है। असली सुलेमानी हकीक को पत्थर पर घिसा जाए तो इसके रंग में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। दोस्तों, सुलेमानी हकीक लाल, पीला, हरा, नीला, सफेद, काला आदि कई रंगों में पाया जाता है, लेकिन काले रंग के हकीक में सबसे ज्यादा शक्तिशाली एनर्जी होती है। दोस्तों, काला हकीक रतन व्यक्ति को बुरी नजर और टोना टोटका से भी बचाता है। इसे धारण करने से जीवन में सौभाग्य की प्राप्ति होती है और दुर्भाग्य दूर होता है। दोस्तों, इसे धारण करने से पाप ग्रहों जैसे राहु, केतु, शनि का अशुभ प्रभाव बहुत कम हो जाता है और इससे व्यक्ति की आध्यात्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ जाती है। दोस्तों, जिन लोगों को रात को नींद में परेशानी या डर लगता है वे हकीक पहन सकते हैं। दोस्तों, हकीक पहनने से व्यापार में अचानक अच्छा धन लाभ हो सकता है। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आर्थिक स्थिति में चमत्कारी सुधार करने के लिए दो सुलेमानी हकीक रतन घर के पूजा घर में रखने चाहिए। इससे घर का वास्तु दोष के इम्पैक्ट भी कम होते हैं। दोस्तों, अगर लगातार आप तनाव या डिप्रेशन से घिरे हुए हैं तो आपको हकीक रतन धारण कर लेना चाहिए। दोस्तों, हकीक की माला से जाप करने से भगवान शिव अति प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, रतन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार वृष, मिथुन, कन्या, तुला, मकर और कुंभ राशि या लगन वालों को हकीक धारण करने से बहुत सी शुभ फल मिलते हैं। दोस्तों, अगर जन्म कुंडली में शनि अच्छी स्थिति में है तो भी काला हकीक धारण करने से बहुत लाभ मिल सकता है। दोस्तों, मेष, वृश्चिक, करक, सिंह राशि वालों को काला हकीक धारण नहीं करना चाहिए। दोस्तों, 8 से लेकर 10 रत्ती के हकीक को शनिवार के दिन शाम को भगवान शिव की आराधना करके चांदी के लाकट में या अंगूठी बनवाकर मध्यमा उंगली में धारण कर सकते हैं। दोस्तों, हकीक को काले या सफेद धागे में भी धारण कर सकते हैं। दोस्तों, इस चमत्कारी रत्न की कीमत बहुत ही कम होती है। आमतौर पर 25 से 50 रुपए रत्ती यह रत्न बाजार में मिल जाता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह जानकारी सही लगी हो तो कृपया मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ मेरे चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय माता की।